So before starting this video or before telling you about the colors of vials which we are using for the blood collection, I am going to tell you about the process, that is phlebotomy. The phlebotomy kya hai? Phlebotomy ek aisa procedure hai, or the name of the procedure hai jisme ki aap kya karte hain, पेशेंट का ब्लड आप ले रहे हैं, ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, देन जो कलेक्टेड ब्लड है वाइल्स में आप उनको लेबोरेटरी में भेज रहे हैं फॉर द डायग्नोस्टिक टेस्ट. तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्लेबोटॉमी. सो वन बाय वन आई विल टेल यू द कलर्स ऑफ वाइल्स विच वी आर यूजिंग. तो इसमें सबसे पहला है पर्पल टॉप बॉटल. तो जो ये पर्पल टॉप बॉटल है इसको हम EDTA वायल भी बोलते हैं. EDTA इज इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड, जो कि एक एंटीकोगुलेंट है जो कि इस वायल में प्रेजेंट रहता है, ताकि आप जब ब्लड कलेक्ट करो वो उसमें क्या हो, क्लॉट ना हो. तो इस जो पर्पल वायल है उसका बेसिकली हम यूज हीमेटोलॉजिकल टेस्ट के लिए करते हैं. तो इसमें आता है आपका फुल ब्लड काउंट, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन टेस्ट आएगा, प्लेटलेट्स काउंट टेस्ट हम इसमें करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल टेस्ट भी हम इसमें करते हैं. और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो पर्पल कलर का वायल है, इसको हम लोग HbA1c जो टेस्ट है उसमें भी यूज करते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है इन डायबिटिक ब्लड शुगर कंट्रोल. वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू एड हेयर, जब जो EDTA वायल है जब आप उसमें ब्लड कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको ट्यूब को इन्वर्ट करना है फॉर अबाउट 6 to 7 टाइम्स. इससे क्या होगा, जो ब्लड है और EDTA आपस में अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे और ब्लड क्लॉटिंग के जो चांसेस है 1 or 2% भी, वो चांसेस हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ब्लड को क्लॉट होने से रोक सकते हैं. नेक्स्ट है येल्लो टॉप बॉटल, इसको हम लोग सीरम सेपरेटिंग ट्यूब और वायल भी बोलते हैं. इसका जनरली जो यूज है वो है इन द रेंज ऑफ बायोकेमिस्ट्री टेस्ट. इसके अंदर आता है आपका यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, जिसमें कि हम डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं लाइक सोडियम पोटेशियम यूरिया क्रिएटिनिन, उसमें हम इसका यूज करते हैं. एंड इसको हम लोग जनरली जो किडनी फंक्शन टेस्ट है उसके लिए यूज करते हैं. एंड एट द सेम टाइम बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको काउंट करने के लिए जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं उस टाइम पे भी हम येल्लो टॉप बॉटल वाली वायल में ही ब्लड को कलेक्ट करते हैं. इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट हमें करना है तो तभी भी हम इसका यूज करेंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट करना है, बोन प्रोफाइल हमें चेक करना है, मैग्नीशियम लिपिड, थायराइड फंक्शन टेस्ट, कार्डिक एंजाइम एग्जांपल जैसे ट्रोपोनिन टी, इन सारी चीज़ों को भी डिटेक्ट करने के लिए जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं तो हम येल्लो टॉप बॉटल पर ही लेंगे. इसको एट द सेम टाइम हम बहुत सारे स्पेशलाइज टेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि एंड्रोक्रिनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ऑन्कोलॉजिकल टेस्ट या गायनेकोलॉजिकल टेस्ट और दी टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट है, इन सारे में भी हम जो येलो टॉप बॉटल है उसका यूज करते हैं. नेक्स्ट वन है ब्लू टॉप बॉटल. इसके अंदर भी एक एडिटिव प्रेजेंट होता है जो कि है सोडियम सिट्रेट. तो सोडियम सिट्रेट इज अगेन एंटीकोगुलेंट है, इसमें भी जब आप ब्लड कलेक्ट करोगे तो ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगा, दैट इज सोडियम सिट्रेट जो कि एक एंटीकोगुलेंट है. बेसिकली जो ब्लू टॉप बॉटल है उसका हम यूज़ करते हैं फॉर दी कोगुलेशन स्क्रीनिंग टेस्ट, जहाँ पे हमें कोगुलेशन स्क्रीनिंग टेस्ट करनी है उस टाइम पे हम इसका यूज़ करेंगे. जैसे कि हमें ब्लीडिंग टाइम देखना है, BT प्रोथ्रोम्बिन टाइम और APTT दैट इज एक्टिवेट्स पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखना है, फिब्रिनोजेन टेस्ट करना है, तो उन सब में हम लोग ब्लू टॉप बॉटल का यूज़ करेंगे. एट द सेम टाइम एक चीज़ है INR, तो INR जो टेस्ट है वो हम करते हैं वॉरफेरिन मॉनिटरिंग के लिए. अगर आप किसी पेशेंट को आपने वॉरफेरिन दिया है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम INR टेस्ट करते हैं, तो उसका भी सैंपल जो आप लोगे ब्लू टॉप बॉटल में लोगे. नेक्स्ट वन D-dimer टेस्ट, जो कोविड पेशेंट में बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसके थ्रू हम थ्रोम्बोसिस को फाइंड आउट कर रहे थे, द लेवल ऑफ थ्रोम्बोसिस इन द पेशेंट बॉडी और दी रेस्ट डीप इन थ्रोम्बोसिस की जो प्रोसेस है, अगर किसी पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है तो इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हम D-dimer टेस्ट कर रहे थे. तो जो ब्लड सैंपल हम कलेक्ट करेंगे पेशेंट का वो ब्लू टॉप बॉटल में कलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट है ग्रे बॉटल. ओके, तो ग्रे बॉटल के अंदर आपको दो एडिटिव्स प्रेजेंट मिलेंगे. इसमें सबसे फर्स्ट वन है सोडियम फ्लोराइड और दूसरा है पोटेशियम ऑक्सलेट. तो जो सोडियम फ्लोराइड है वो एक एंटो
एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट है। एंटी ग्लाइकोलाइटिक मीन्स कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने से ये रोकता है। तो जैसे नाम से समझ आ रहा है, इसका यूज हम करेंगे जब हमें ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी है, जैसे कि रैंडम ब्लड शुगर हम लेते हैं, या फास्टिंग ब्लड शुगर कर रहे हैं, या लैक्टेट टेस्ट कर रहे हैं, या जीटीटी जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है उसका यूज कर रहे हैं। तो उस टाइम पे हम ग्रे बॉटल का यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कौन सा एजेंट होता है, एंडोग्लाइकोलाइटिक एजेंट दैट इज सोडियम फ्लोराइड, जो है वो क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने से रोकता है। और इसकी हेल्प से हम जब ब्लड सैंपल लेंगे पेशेंट का, उसको 5 to 6 days तक प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ सोडियम फ्लोराइड इन दी ग्रे टॉप बॉटल। नेक्स्ट वन, इसमें एक और एजेंट आपको दिखेगा, दैट इज पोटेशियम ऑक्सलेट। तो पोटेशियम ऑक्सलेट का एक एंटीकॉगुलेंट है अगेन, जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगा। नेक्स्ट वन है पिंक टॉप बॉटल। तो जो पिंक टॉप बॉटल है, ये भी एक एडिटिव वायल होती है जिसके अंदर एंटीकॉगुलेंट प्रेजेंट होता है। और जनरली जो ये बॉटल है, इसको हम जब ट्रांसफ्यूजन के लिए हमें भेजना है ब्लड सैंपल्स को, देन उस टाइम पे हम लोग पिंक बॉटल का यूज करते हैं। तो इसमें आएगा जैसे ग्रुप ग्रुप एंड सेव, जैसे एनालिसिस ऑफ पेशेंट ब्लड ग्रुप आपको एनालाइज करना है उस टाइम पे हम करेंगे, जब हमें क्रॉस मैचिंग करवाना है पेशेंट के ब्लड का, उस टाइम पे हम इस जो पिंक कलर की बॉटल है उसका यूज करेंगे। या अगर डायरेक्ट कूम टेस्ट है, जो कि ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया के लिए हम लोग जनरली करते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम जो ब्लड कलेक्ट करेंगे पेशेंट का, वो जो पिंक टॉप बॉटल है या वायल है उसमें कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन है रेड टॉप बॉटल। तो जो रेड टॉप बॉटल है, उसका जनरली ब्लड क्लॉट्स एंड सीरम सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, इसका यूज क्या होता है, इसको हम केमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजिकल, सीरोलॉजिकल या ब्लड बैंक में क्रॉस मैच के लिए जनरली जो रेड टॉप बॉटल है उसका यूज करते हैं। और इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट वन है जो ब्लैक टॉप बॉटल्स हैं, इनका बस हम यूज करते हैं फॉर द ESR टेस्ट। जैसे ESR का भी हमें वेस्टर ग्रीन जो टेस्ट है उसमें हम इसको यूज करते हैं ब्लैक टॉप बॉटल। नेक्स्ट वन है डार्क ग्रीन टॉप बॉटल। जो डार्क ग्रीन टॉप बॉटल्स हैं, इसके अंदर भी एक टाइप का सोडियम हेपेरिन प्रेजेंट होता है, जो अगेन क्या है, एंटीकॉगुलेंट है। इसका यूज हम करते हैं फॉर द टेस्टिंग ऑफ अमोनिया, इंसुलिन, रेनिन एंड एंडोस्टेरोन सैम्पलिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब। इसके अंदर होता है लिथियम हेपेरिन, इसके अंदर भी प्रेजेंट है, और इसका जनरली हम यूज करते हैं फॉर द केमिस्ट्री पर्पस, और इसको हम प्लाज्मा सेपरेटिंग ट्यूब भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन है ऑरेंज टॉप ट्यूब। ये जो है, इसका यूज हम करते हैं स्टेट सीरम टेस्टिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, और इसके अंदर एक थ्रोम्बिन बेस्ड एक्टिवेटर प्रेजेंट रहता है इन दी ऑरेंज टॉप ट्यूब, और इसका यूज होता है फॉर दी स्टेट सीरम टेस्टिंग। नेक्स्ट वन है व्हाइट टॉप ट्यूब। तो जो व्हाइट टॉप ट्यूब है, इसका हम यूज करते हैं जनरली मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, जैसे कि PCR और DNA एम्प्लीकेशन टेस्ट वगैरह करने हैं, तो उसके लिए हम लोग व्हाइट टॉप बॉटल का यूज करेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज में दिख रहा है ब्लड कल्चर बॉटल्स। जो ब्लड कल्चर, जब हमें ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है माइक्रोबायोलॉजी लैब के लिए, जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो जो ब्लड कल्चर बॉटल्स हैं यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इनका यूज किया जाता है टू सेंड द सैंपल टू दी माइक्रोबायोलॉजी लैब। नेक्स्ट वन है आर्टीरियल ब्लड गैस। आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस के लिए भी हम ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, तो जनरली इसको हम ABG बोलते हैं, और ABG जनरली वी आर टेकिंग फ्रॉम दी रेडियल आर्टरी, आर्टरी से हम कर रहे हैं। इसमें हम पूरा कंप्लीट जो आर्टीरियल ब्लड गैस है उसका एनालिसिस करते हैं। इसमें अंदर आ जाता है pH ऑफ द ब्लड, PCO2, PO2 एंड बाइकार्बोनेट्स, ये सारी चीजें हम इसको एनालिसिस के लिए क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम दी रेडियल आर्टरी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी डिफरेंट वाइल्स विद द डिफरेंट कलर्स विच वी आर यूजिंग वाइल वी आर कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम दी पेशेंट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो वेरी नाइसली। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, एंड ऑल्सो इफ यू आर अ न्यू व्यूअर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्टडी, स्टे हेल्दी।